नमस्कार दोस्तों आप लोग सबको मैं स्वागत करता हूं इस नया वीडियो में मोक क्वेश्चंस फॉर फिल्म 2021 मेरा नाम है विनीत सागर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर महीने के लास्ट वीक में जितने भी रेलेवेंट न्यूज हुआ था जो हमारे यूपीएससी फिल्म टू के प्रिपरेशन में काम आएगा तो उसमें से मैंने पांच ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट है ये पार्ट वन है और भी क्वेश्चन आएंगे ये पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे पांच क्वेश्चन एमसीक्यूज़ क्वेश्चन नंबर वन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बेका वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर दे दिया होगा नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली स्टेटमेंट थ्री गलत है इट गिव्स एक्सेस टू बोथ कंट्रीज टू डेसिग्नेटेड मिलिट्री फेसिलिटीज ऑन इधर साइड फॉर द पर्पज ऑफ रीफ्यूलिंग एंड रिप्लेमेंट देखो दोस्तों स्टेटमेंट है ना ये रिलेटेड है लेमोआ से लेमोआ क्या है तो मिलिट्री इंडिया की तरफ तो इंडिया में उन को या शिप्स को रिफ्यूल करने का फैसिलिटीज दिया जाएगा वाइस वर्सा इंडिया की तरफ से कोई एयरक्राफ्ट या शिप यूएसए की तरफ जाता है उधर भी हमें पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगा यह है लेमोआ एग्रीमेंट राइट अब बेका एग्रीमेंट क्या है देखो दोस्तों बेका एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है इट विल अलाउ इंडिया एंड यूएस टू शेयर मिलिट्री इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एडवांस सैटेलाइट एंड टोपोग्राफिक डेटा सच सचा मैप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो बेसिकली यही समझिए बेका एग्रीमेंट एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है जो सैटेलाइट डेटा है जो टेक्नोलॉजी हमने बना रखा है ऑलरेडी यूएस में बना रखा है इंडिया में बना रखा है ठीक है ये इंफॉर्मेशन जो है शेयर होगा इंडिया एंड यूएस के बीच में ठीक है एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा देखो नोटिकल एंड एरोल चार्स एंड जियोडेटिक डेटिक जियो फिजिकल जियो मैग्निक एंड ग्रेविटी डेटा तो बेसिकली यही है जो सैटेलाइट डेटा है जो बहुत चीजों में काम आ सकता है यूएस एंड इंडिया शेयर करेगा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगा ये सीक्रेसी मेंटेन करेगा राइट अब बाकी एग्रीमेंट्स के बारे में इधर लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लेना हर्षित शाह ने बहुत बार कवर किया अपने डेली करंट अफेयर्स में ये एग्रीमेंट के बारे में राइट दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू According to the latest reports released in 2019-20, consider the following statements with respect to air pollution which are correct. Video post कीजिए और answer बताइए. I hope आपने answer किया होगा. Now the answer is option A, one only. Statement two and statement three गलत हैं. पहले देखते हैं इसके explanation क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा कौन-कौन सा सही है, कौन-कौन सा गलत है. क्या लिखा है?

सब तो सर्वे करते हैं सब अपने अपने स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं तो इस तरह की जितने भी रिपोर्ट आते हैं ना ये आप सबको हम लोगों को कोरिलेट करना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही पूछता है कोई एक रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछेगा तो हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है कंडीशन क्या है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया ठीक है देखो इंडिया अकाउंट फॉर टू थर्ड ऑफ द दर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ये तो बिल्कुल सही बात है हमें पता ही हमारे कंडीशन क्या है ठीक है The ranking is based on a comparison of PM 2.5 levels among countries when population is taken into account. Average PM 2.5 pollution is highest in Bangladesh. देखो PM 2.5 pollution के बारे में बात की जा रही है। देखो दोस्तों PM 2.5 क्या है? Particulate matter। जब भी air pollution की बात होती है ना तो एक PM level की बात होती है। PM level 2.5 मतलब क्या होता है? देखो ये 2.5 है ना ये 2.5 microns है। Microns, देखो हमारा इंच किलोमीटर ये जैसा एक लेंथ का मेजरमेंट है, है।, in है तो आप सोच सकते हो कितना छोटा यूनिट है ये तो बेसिकली जितने भी एयर में पोल्यूटेंट्स होते हैं ना दोस्तों जिसका विट पीएम टू पॉइंट फाइव से कम है इसको बोलते हैं टिकुलर मैटर टू पॉइंट फाइव बहुत डेंजरस होता है क्योंकि हमारे नाक से अंदर जाएगा पूरे तक घुस जाएगा हमें बहुत बहुत सारे हो सकता है तो PM का ज्यादा है मतलब है तो का ज़्यादा मतलब ही एयर क्वालिटी की राइट अब देखो टू थाउजेंड के रिपोर्ट के हिसाब से पीएम टू पॉइंट फाइव बांग्लादेश में था ठीक है एंड विद एन एवरेज ऑफ एटी थ्री पॉइंट थ्री पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर दिस वॉज कंसिडरेबली हायर दैन द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री पाकिस्तान ठीक है तो रिसेंटली भी एक रिपोर्ट आया हुआ है उसमें इंडिया की पोल्यूशन इंडिया एयर पोल्यूशन में सबसे खतरनाक इंडिया है बोला हुआ है ये थोड़ा पुराना रिपोर्ट है तो हमारे स्टेटमेंट देखते हैं एक बार वैसे इंडिया अकाउंट्स फॉर टू थर्ड्स ऑफ वर्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज सही है इन टू द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पी एम टू पॉइंट इंडिया ये गलत है क्योंकि बांग्लादेश है टर्म फाइन droplets in the air that रेफर्स टू टाइनी पार्टिकल्स इन एयर one half एंड or मोर इन width. इसमें क्या गलत है दोस्तों इसमें लिखा है more Actually, उसे कम होना चाहिए 2.5 माइक्रोन से कम जितना है ना उसको बोलते हैं पीएम 2.5 particles. पार्टिकल्स तो आप लोगों के ये पता चल गया ना पीएम 2.5 क्या है पीएम 2.5 मतलब 2.5 पॉइंट के नीचे राइट right? जो पार्टिकल्स है वो होता है क्वेश्चन नंबर थ्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इरिगेशन इन इंडिया विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा न आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो दोस्तों चारों स्टेटमेंट सही है देखो दोस्तों इस क्वेश्चन बड़े सिंपल थे और स्टेटमेंट भी डायरेक्ट था पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है ये बात तो है दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा आप लोग कितने भी पढ़ाई करें कितने भी लेक्चर सुन लें ठीक है कितने भी आर्टिकल पढ़ लें, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है यूपीसी प्रविन्स में जो हम अपने एक्सपीरियंस से या कॉमन सेंस से आंसर दे सकता है। एग्रीकल्चर या इरिगेशन ये सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है ना वो हमारी ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हैं ये बात तो ज़रूर है क्योंकि हमारे आसपास में हमारी पड़ोस में जो लोग खेती कर रहे हैं ठीक है उनकी जो ग्राउंड रियालिटी क्या उधर क्या हो रहा है क्या क्या टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल हो रहा है यह सब के बारे में भी हमें नॉलेज चाहिए ऐसा नहीं कि 24 घंटे किताब देके या कोई लेक्चर सुन के पढ़ाई कर लो हमें ग्राउंड रियालिटी भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों आप लोगों में यह एक्सपीरियंस है तो इस तरह की क्वेश्चन आराम से आप आंसर दे पाओगे ठीक है देखो दोस्तों चारों स्टेटमेंट तो सही है अब देखते हैं वेल्स आर मेनली फाउंडिंग यूपी बिहार तमिलनाडु एक्सेट्रा ये जो पैराग्राफ कह रहा है वेल्स के बारे में कुएं के बारे में अब ये क्या बोल रहे हैं कुएं में जो पानी है समर सीजन में ड्राई हो जाता है पर जो डीप वेल्स है जो ट्यूब वेल्स में पानी हमें साल भर मिलता है क्योंकि वो ग्राउंड वाटर निकलता है और ग्राउंड वाटर हमारे अर्थ में बहुत ज्यादा है बोला जाता है कि ग्राउंड वाटर जितने अर्थ में अर्थ के अंदर जितने ग्राउंड वाटर है ना वो इक्वल करता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के ग्लेशियर्स जो स्नो है उसके इक्वल पानी हमारे अर्थ के अंदर ग्राउंड वाटर में स्टोर्ड है राइट right? पैरा पैराटू क्या करें कनाल के बारे में कनाल कैन बी एफेक्टिव सोर्स ऑफ इरीगेशन एरिया ऑफ लो लेवल रिलीफ डीप फर्टिल सोइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैनाल इरीगेशन इज द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया एस्पेश द एरियाज एरिया उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब देखो दोस्तों कनाल इरीगेशन के बारे में बताने की जरूरत है जो नॉर्थ के बंदे हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि स्पेशली हरियाणा की बात करूंगा हरियाणा ऐसा स्टेट है हमारे इंडिया में जहां अंदर कोई रिवर नहीं है एक ही रिवर है यमुना वो बॉर्डर करता है उत्तर प्रदेश से ठीक है तो हरियाणा में जितने भी इरीगेशन होता है वो कनाल के थ्रू होता है तो कैनाल की इंपॉर्टेंस हरियाणा में देखो पता चल जाएगा टैंक्स के बारे में मोस्ट ऑफ द टैंक्स आर नेचुरल दैट एंड डू नॉट इन्वॉल्व हैवी कॉस्ट ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन आई है देखो दोस्तों ये स्टेटमेंट मैंने जो पहले बताया आपको एक्सपीरियंस से बता सकता है टैंक्स के बारे में हमें पता ही है टैंक इरिगेशन के बारे में देखो टैंक ऐसा बनता है जहां नेचुरल टैंक ऑलरेडी है ना उधर आसपास थोड़ा पैरापेट लगा दिया और टैंक बना दिया तो नेचुरल टैंक्स इंडिया में बहुत ज्यादा है छोटे मोटे टैंक्स जो होते हैं ना नेचुरल टैंक्स ड्रिप इरिगेशन क्या है वाटर इज ऑपरेटिंग एड द प्लांट रूट थ्रू एमिटेड आप लोग देखा ही होगा मैंने जो एक्सपीरियंस की बात किया पहले वैसे अगर कोई आपके पड़ोस में भी हो सकता है आप जाके देखिए ड्रिप इरिगेशन क्या होता है ड्रिप पानी ऐसे ड्रिप होता रहता है उससे क्या होगा वाटर इफिशियंसी बढ़ेगा पानी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा और चौबीस घंटे पानी ऐसे ड्रिप ड्रिप गिरता रहेगा पेड़ों पेड़ पौधों के लिए भी सही है और वाटर सेविंग के लिए भी सही है ठीक है तो हमारे आंसर हमें मिल गया क्वेश्चन नंबर फोर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द कंस्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआई विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर दे दिया होगा नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है द बेस इयर ऑफ सीपीआई इज टू देखो दोस्तों ये स्टेटमेंट दो तीन महीने पहले तक बिल्कुल सही था अब ये चेंज हुआ है इसलिए न्यूज में आया था 2001 से 2016 करा दिया गया तो दोस्तों न्यूज से आया था मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज संतोष कुमार गैंगवार जी इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरी एल एंड सीनियर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर एंड डायरेक्टर जनरल लेबर ब्यूरो डीपीएस नेगी साहब ये सब ने सीपीआईड्ल्यू बेस ईयर दो करके कंपेल करके रिलीज किया है ठीक है अब देखो हमारे स्टेटमेंट क्या क्या पूछा था द बेस ईयर ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर शुड बी रिवेस्ड एट फ्रीक्वल इंटरवल्स जनरली नॉट एक्सिडिंग टेन ईयर्स टू रिफ्लेक्ट एंड चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द दंस्यूम कंसेप्शन पैटर्न ऑफ कंज्यूमर्स तो दोस्तों ये लिखा है इधर क्लियरली देखो आई एल ओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स रिव्यू कमिटी एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ये सब के रिकमेंडेशन के हिसाब से बेस ईयर जो है शुड बी रिवे डेट फ्रीक्वेंट इंटरवल जनरली नो टेक्सीड इन टन देखो, हमारा दो हजार एक में हुआ था फिर जाके दो हजार सोलह कर दिया ठीक है ये बोला यह जा रहा है कि दस साल में बेस ईयर चेंज होना चाहिए ठीक है मतलब क्योंकि दस साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है यार इसलिए हर दस साल में ठीक है बेस ईयर को आपको चेंज करना चाहिए ईडब्ल्यूस कंपेल्ड पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस एंड गाइडलाइन ऑफ आई एल ओ तो यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर डीपीएस नेगी ऑन वेस्टे टूक चार्जर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो एक वन ले पूछा जा सकता है डीपीएस नेगी साहब या भी डीजी ऑफ लेबर ब्यूरो लेबर ब्यूरो कलेक्ट एंड एनालिस डाटा रिलेटेड टू वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेल इन्फ्लेशन देखो हमारे स्टेटमेंट थ्री में क्या बोला था लेबर ब्यूरो कलेक्ट्स कलेक्ट एंडा रिलेटेड टू वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेल इन्फ्लेशन तो इस तरह के डेटा लेबर ब्यूरो कलेक्ट करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर ब्यूरो क्या है आपको समझ में आ गया होगा अभी ये क्या करता है कलेक्शन एनलाइज डाटा वर्कर्स या एम्प्लॉयमेंट या रिटेल इन्फ्लेशन ये सब के बारे में जितने भी डेटा है वो कलेक्ट करता है लेबर ब्यूरो ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बफर स्टोक्स विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नंसर इज ऑप्शन ए वन एंड टू ओल्ड दोस्तों बफर स्टोक रिसेंटली ओनियन प्राइसेस बहुत ज्यादा अप हो गया था तो न्यूज में आ रहा था सेंटर ने बोला अभी बफक स्टोक्स हम रिलीज करेंगे इस प्राइस को थोड़ा स्टेबिलाईज करने के लिए तो बफक स्टोक्स

सबसे पहले समझते हैं बफर स्टॉक क्या है बफर स्टॉक रेफर्स टू ए रिजर्व ऑफ ए कमोडिटी दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन एंड अनफोर्सिन एमरजेंसीज देखो दोस्तों बफर स्टॉक वो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जो है ना कुछ फूड को कुछ फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर कर करके रखते हैं किसके लिए अगर जैसे ओनियन का भी हुआ वैसे कोई प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा हो गया तब रिलीज करने के लिए ना तो कोई अनफोसिन एमरजेंसी अनफोर्सिन एमरजेंसी मतलब कोई क्रॉप फेलियर हो गया नेचुरल डिजास्टर आ गया और सबके टाइम पे हमारा प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा नहीं तब यूज़ करने के लिए बफर स्टॉक स्टोर करते हैं ठीक है इट इज़ जनरली मेंटेन फॉर एसेंशियल कम्योडिटीज एंड नेसेसिटीज लाइक फूड ग्रेन्स पल्स एक्सेट्रा देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बफर स्टॉक हर चीज़ के लिए है ऐसे चीजों बफर स्टॉक रखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही सफिशियंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे फूड ग्रेन हो गया पल्स हो गया राइट द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द फोर्थ फाइव ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना क्योंकि हमारा क्वेश्चन में भी आया था टू क्या था ये बिल्कुल सही है अब देखो बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इन द सेंटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मीटिंग द देखो बफर स्टॉक का, का काम क्या क्या है बता देते हैं एक तो, के जो रखना है उसके लिए मंथली रिलीज ऑफ फूड ग्रीन फॉर सप्लाई थ्रू टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदर वेलफेयर स्कीम देखो अगर जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इंडिया में ऑलरेडी लागू है जो हमें रेशन शॉप से जो मिलता है या कोई अदर वेलफेयर स्कीम्स। जैसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस करते हैं जैसे अभी कोविड नाइन्टीन के टाइम पे बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स आया था पर्टिकुलरली हमें बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स मिले थे फ्री मिले थे फ्री किट मिले थे देखो इस तरह की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए काम आता है और मीटिंग आउट ऑफ अनएक्सपेक्टेड क्रॉप फेलियर नेचुरल मैंने आपको बता दिया कोई अनएक्सपेक्टेड क्रॉप फेलियर जैसे इमरजेंसी आ गया तब यूज करने के लिए एंड प्राइस स्टेबिलेशन और मार्केट इंटरवेंशन टू ओपम सप्लाई सो एस टू हेल्प मॉडरेट द ओपन मार्केट प्राइसेस ये अभी जो हो रहा है यही हो रहा है ठीक है जैसे कोई भी किसी भी वजह से प्राइस फ्लेक्चुएट हो रहा है ज्यादा मतलब नॉर्मल आम आदमी को मुश्किल हो रहा है तब ये बफर स्टॉक रिलीज कर सकता है ठीक है द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फिक्सेस द मिनिमम बफर नॉर्म्स ऑन क्वार्टरली बेसिस जो हमारे स्टेटमेंट थ्री था एफ लिखा हुआ था इसका आंसर एक्चुअली क्या है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ध्यान रखना है, ये क्या करते है? देखो कब कब होता है फर्स्ट अप्रैल को फर्स्ट जुलाई को फर्स्ट अक्टूबर को एंड फर्स्ट जनवरी ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर राइट दोस्तों तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया वन एंड टू तो दोस्तों हमारे पांच क्वेश्चन सही ही थे उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों ये जो वीडियो है क्यूस का ये मैं हफ्ते में एक बार या दो बार अपलोड किया करूंगा ताकि आप लोग जो रिलेवेंट न्यूज है वो कभी मिस ना करें जो आपकी यूपीएससी फिलिम्स की प्रिपरेशन में काम आ सकता है तो दोस्तों आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस कमेंट्स में चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग